शहर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर हर वक्त ट्रैफिक का दबाव रहता है और घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। तो इस बात के पेश नज़र LDA और TEPA की जानिब से यह मंसूबा बनाया गया है कि 3 दाखिली और खारजी रास्तों की तोसी की जाए और वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्लान भी बनाया जाए। इसके साथ साथ इन 3 दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाने का भी प्लान बनाया गया है। इस सिलसिले में LDA और TEPA ने इन 3 दाखिली और खारजी रास्तों पर जो इब्तदाई मुजवजा डिज़ाइन है वो तैयार कर लिया है, जिसकी कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस जो डिज़ाइन के मुताबिक जो 3 दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाया जाएगा, उसमें पहला रास्ता ठोकर न्याज बेग का है, उसके साथ साथ बाबू साबू और सगियाँ का है। यानी लाहौर में जिस भी शख्स ने दाखिल होना है या इससे खारिज होना है तो वो उसी गेट वे से होता हुआ ही गुजरेगा। उस गेट वे का भी जो डिज़ाइन है वो तैयार कर लिया है। इस जो डिज़ाइन लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुआ है उसके मुताबिक ये गेट वे सड़क के दोनों अतराफ में बनाया जाएगा और ये चबुर्जी का जो हमारा सकाफती विरसा है उसकी तर्ज पर यह बनाया जाएगा, जिसके ऊपर एक गुंबद बनाया जाएगा और इसके अंदर टेराकोटा जाली है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा फाउंटेन लगाए जाएंगे और हॉर्टिकल्चर का काम भी किया जाएगा। ये जो 14 इसके मुजवजा डिज़ाइन है वो तैयार कर लिए गए हैं और अब इसको मंजूरी के लिए बाकायदा तौर पर वफाकी वजीर मुआसलात मुराद सईद को ये भिजवाए जाएंगे, जिनकी जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि शहर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाया जाए। गुज़िश्ता इतवार को DG LDA आमना इमरान खान ने भी ठोकर न्याज बेग का दौरा किया था और वहाँ पर ये गेटवे बनाने के हवाले से और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया था और उसी इजलास में अहकाम जारी किए गए थे कि डिज़ाइन को तैयार किया जाए और इस डिज़ाइन को आज तैयार कर लिया गया है और बाकायदा मंजूरी के बाद इसके ऊपर अमल दरामद का भी आगाज़ हो जाएगा। जी